अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी किसी भी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? अगर आप परेशान हैं कि आपके पास में ये जो नोटिफिकेशन जो है ये आ जा रहे हैं नोटिफिकेशन पैनल के अंदर में, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन ना आए बल्कि जब मैं एप्लीकेशन ओपन करूँ तो सिर्फ मुझे वहाँ पे जो मैसेजेस हैं उसके नोटिफिकेशन आए और मैं उसको पढ़ लूँ या फिर जो भी मुझे करना है उसके साथ में उस मैसेजेस के साथ में मैं करूँ, तो आप चाह रहे हैं कि यहाँ से नोटिफिकेशन जो है वो आए ही नहीं कभी भी, यानी जब भी आप चाहें तो उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। बट मेन जो मुद्दा है कि आप किस तरीके से ये जो नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हो रहे हैं ये नहीं शो हो, क्योंकि ये डिस्टर्ब भी बहुत ज़्यादा करता है। तो फिर आपको कैसे करना है, इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखना होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपको ऐप इन्फो के अंदर में जाना होगा। तो ऐप इन्फो के अंदर में जाने के लिए जितने भी वेज है मैं सारे को जो है कवर करूँगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, उस एप्लीकेशन के ऊपर में आप टैप किए हुए रहिए, प्रेस किए हुए रहिए, उसके बाद में आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा ऐप इन्फो। आप यहाँ से भी ऐप इन्फो के अंदर में आप जा सकते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा, अगर आप यानी अगर यहाँ पे आपको नहीं नज़र आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली जाइए सेटिंग्स के अंदर में, सिंपली सेटिंग्स के अंदर में आप आ सकते हैं यहाँ से भी, या फिर यहाँ से भी सिंपली मैं यहाँ से सेटिंग्स जो है सर्च कर लूँगा। सेटिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आएगा सेटिंग्स, तो सिंपली मैं क्या करूँगा सेटिंग्स के ऊपर में मैं क्लिक करूँगा। सेटिंग्स में आने के बाद में आपको जाना होगा एप्लीकेशन मैनेजर के अंदर में। जी हाँ, ऐप मैनेजमेंट होगा या फिर एप्लीकेशन मैनेजर होगा, इस तरीके से कई सारे नेम्स से जो है वो आ सकते हैं। तो सिंपली मैं जाऊँगा यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट के अंदर में। ऐप मैनेजमेंट के अंदर में आने के बाद में आपको यहाँ पर नज़र आएगा ऐप लिस्ट, डिफ़ॉल्ट ऐप, इस तरीके के कई सारे चीज़ें जो है यहाँ पर नज़र आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली ऐप लिस्ट के अंदर में जाना है। सिंपली आप ऐप लिस्ट में जाइए। ऐप लिस्ट में आने के बाद में यहाँ पे आपको वो एप्लीकेशन देखना है कि कौन सा एप्लीकेशन है जिसका नोटिफिकेशन जो है आपको नहीं आना चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे टेलीग्राम का जो है नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिलना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से टेलीग्राम जो है सर्च करूँगा। मैं यहाँ से डायरेक्टली टाइप करके मैं यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ जो भी मुझे एप्लीकेशन चाहिए, या फिर मैं यहाँ पर स्क्रॉल अप करके भी मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि कौन सा एप्लीकेशन है। मैं सिंपली इसमें चेक करते हुए जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे नज़र आ गया टेलीग्राम। तो सिंपली मैं क्या करूँगा टेलीग्राम को ओपन करूँगा। टेलीग्राम ओपन करने के बाद में यानी बेसिकली आपको यहाँ से भी आपने आगे आप आ गए ऐप इन्फो के अंदर में, आप वहाँ से भी नॉर्मली आप अपने होम स्क्रीन से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में आपको सर्च करना होगा यानी देखना होगा कि मैनेज नोटिफिकेशंस कहाँ पे हैं। सिंपली आप मैनेज नोटिफिकेशंस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा अलाउ नोटिफिकेशन। ठीक है, अलाउ नोटिफिकेशंस, सिंपली आपको इसे टर्न ऑफ कर देना होगा। जैसे आप टर्न ऑफ कीजिएगा तो यहाँ से जो नोटिफिकेशन वो गायब हो गया। अब जैसे मैं टर्न ऑन करूँगा तो जो नोटिफिकेशंस होंगे वो मे बी आ जाएंगे वहाँ पे, यानी जो भी नोटिफिकेशन अब जो भी कोई भी मैसेजेस करेंगे उसके अंदर में यानी टेलीग्राम के अंदर में, टेलीग्राम ग्रुप में या फिर टेलीग्राम पे नॉर्मल जो पर्सनल मैसेज कोई करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मुझे मिलेगा। बट इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो मुझे नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैं सिंपली जब मैं ऐप ऑन करूँगा तभी मुझे नोटिफिकेशन आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप नोटिफिकेशन को डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। तो मैंने इसे डिसेबल भी कर दिया, आप इसे इनेबल करना चाहे तो इनेबल भी कर सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी है या फिर कोई भी डाउट है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मुझे बताइए क्या परेशानी है, उसको जल्द से जल्द जो है रिजॉल्व करूँगा मैं। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जब तक के लिए आप हर एक सोशल नेटवर्क पर मुझे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।